देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस के बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर है, जो हमारा रहेगा बैलेंस शीट रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान देना, एक एक चीज है, जो भी बैलेंस शीट में जो भी पार्ट आते हैं उसके बेस पे हम लोग करेंगे। अब बैलेंस शीट रेशियो में क्या क्या चीज आती है पहले चेक कर लेते हैं। हमारे पास करंट असेट्स, हमको एक क्वेश्चन में जो निकालना है वो दिया है, करंट रेशियो निकालने बोला है, और दूसरे क्वेश्चन में निकालना है हमको क्विक या लिक्विड रेशियो, जो भी चीजें रहेगी वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अ कंपनी हैज अ फॉलोइंग करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमको क्या क्या चीजें दी है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी है, करंट रेशियो कैलकुलेट करना बोला है। तो सबसे पहले लिखता हूँ करंट, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ध्यान दे रहा है, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सबसे पहले देख लेते हैं करंट असेट, तो यहां निकाल लेते हैं हम लोग करंट असेट, देयर फोर करंट असेट इज इक्वल टू, करंट असेट में भी क्या क्या चीजें आ सकती है, देखो हमारे पास आएगा डेटर्स। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे लिए स्टॉक, और तीसरा आ जाएगा हमारे लिए यहाँ पे करंट असेट्स और स्टॉक। ठीक है, अब लूज टूल्स तो प्रॉपर एसेट्स है, तो यहां लिख देता हूँ करंट असेट। सबसे पहले लिखता हूँ डेटर, ठीक है, प्लस यहां लिख दूंगा हमें स्टॉक। ठीक है, यहाँ इसके कैलकुलेशन के लिए मैंने जगह छोड़ दी है। ठीक है, तो करंट असेट्स और स्टॉक इसके फिगर्स देख चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो डेटर्स, डेटर्स की फिगर चेक कर लेते हैं, कितना दिया है 60,000 और स्टॉक दिया है 30,000। ठीक है, लूज टूल्स, लूज टूल्स फिक्स असेट्स में आती है, ध्यान देना, लूज टूल्स मतलब क्या है, हमारे लिए कोई भी पाना पेंसिल नट बोल्ट जो लगता है हमारे काम के लिए, तो वो चीजें तो नहीं आएंगे हमारे लिए, तो यहाँ पे आएंगे 90,000। ठीक है, तो यहाँ आएगा करंट असेट्स 90,000 का आ गया, तो यहाँ लिख दिया 90,000, डिवाइड कर देंगे अभी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज आती है यहाँ निकाल देता हूँ, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा, यहाँ लिख देता हूँ क्रेडिटर्स, प्लस बिल्स पेबल आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं बिल्स पेबल। ठीक है, और क्या आ सकता है, बैंक ओवरड्रॉ, तो यहाँ लिख देता हूँ बैंक ओवरड्रॉ। तो ये तीनों चीजों के अमाउंट डाल देते हम लोग 30,000। ठीक है, उसके बाद हमारे बिल्स पेबल है 20,000, और उसके बाद हमारा बैंक और ड्रॉप दिया है 10,000। ठीक है, चलो 30, 50 और ये आ जाएगा 60, समझ गया, तो यहाँ डाल दूंगा 60,000, समझ गया क्या। ठीक है, चेक करो एक एक चीजें, हमारे पास जितनी भी असेट्स थी या लाइबिलिटीज, असेट्स थी हमारे पास, करंट असेट्स और लाइबिलिटीज थी, उसको हमने लिख दिया, 4 0 हमने क्या कर दिया यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कितना बचा ये 9/6, 3 3 9, 3 2 6 और 3 3 9, यहाँ पे बनेगा 3/2, मतलब रेशियो बनेगा 3:2 का रेशियो, समझ गया क्या। ठीक है, ये बना है 3:2 का रेशियो। ठीक है, तो अब इस चीज को देख लिया हमने, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हमारे लिए, क्विक या लिक्विड रेशियो, दोनों नाम है थे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज दी है, वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, मेंशन किया। हम देखो सबसे पहले क्विक असेट्स और लिक्विड रेशियो का जो फॉर्मूला है उसका लिख लेते हैं, क्विक या लिक्विड रेशियो। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला, क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स जो भी लिखना होगा दोनों में से एक लिख सकते हो, या क्विक लायबिलिटी। ठीक है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी, तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग क्विक असेट्स। ठीक है, तो क्विक असेट्स क्या क्या चीज आएंगी, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग क्विक असेट्स। क्विक असेट्स में क्या आते हैं, क्विक मतलब क्या होता है, जो जल्दी चेंज होने वाले, अब जल्दी चेंज क्या क्या चीज होती है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, करंट असेट्स माइनस करेंगे इसमें से स्टॉक, ठीक है, और माइनस करेंगे यहां से प्रीपेड एक्सपेंसेस। ध्यान देना क्या क्या चीजें माइनस किया, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। करंट असेट्स में से दो चीजें माइनस की, करंट असेट्स चेक करो हमारे पास दिया है 60,000। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से स्टॉक 10,000 का, और माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000 के। ठीक है, 10,000 और माइनस करेंगे 4,000। ठीक है, तो इसमें से 10,000 गया, कितना बचेगा 50, 50 में 4 गया, कितना बचेगा हमारे लिए 46,000।
ठीक है, तो ये बन गया हमारे लिए क्विक असेट्स, कितना बन गया 46,000 का। उसके बाद करेंगे क्विक लाइबिलिटी, तो यहां निकाल लेता हूं क्विक लाइबिलिटीज, ठीक है क्विक लाइबिलिटीज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्विक लाइबिलिटीज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो चलो एक एक चीजें चेक कर लेते हैं। करंट लाइबिलिटी तो दिया ही नहीं है हमारे पास, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को तो जीरो कर दो, इसका कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं भी लिखा तो भी। ठीक है, अब हमारे पास क्विक लाइबिलिटी है क्या, नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, दोनों मतलब दोनों चीजें नहीं है हमारे पास मेंशन, लेकिन हमारे पास एक चीज मेंशन है, वो चीज क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो यहां निकाल लेता हूं जेरो वर्किंग कैपिटल। अब हमारे पास देखो क्या चीज दी है, वर्किंग कैपिटल मेंशन है, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ध्यान देना क्या क्या चीज लिखे, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान दो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 50,000। ठीक है, करंट असेट्स दिए है हमारे पास 60,000। देखो दो फिगर, कोई भी एक वैल्यू को निकालने के लिए दो फिगर होने चाहिए, तो करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो क्या लिख दिया करंट लाइबिलिटी। अब इसमें से इसको क्या माइनस कर देंगे, सीएल इधर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी ये उधर चले जाएगा, तो 60,000 माइनस करेंगे 50,000, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कितना बचेगा हमारे लिए 10,000 का। ध्यान देना कितना बचा है 10,000 का, क्या बचा है करंट लाइबिलिटी बच गया है। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटी आ गया तो यहाँ लिख देंगे करंट लाइबिलिटी कितना निकला हमारे लिए 10,000 का। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, क्विक लाइबिलिटी निकल जाएंगे हमारे लिए क्विक लाइबिलिटी, तो यहाँ लिख देंगे क्विक लाइबिलिटी इक्वल्स टू 10,000। समझ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 46,000। ठीक है, डिवाइड कर देंगे कितने से, ये क्विक लाइबिलिटी 46,000 क्विक असेट्स निकला और क्विक लाइबिलिटी निकला हमारे लिए 10,000, तो ये कर देंगे डिवाइड। ठीक है, यहाँ से चार जीरो कैंसिल कर दिया हमने, तीन जीरो यहाँ कैंसिल कर दिया, कितना बचा 46 डिवाइड बाय 10 मतलब 4.6 निकलेगा। अब कोई भी चीज डिवाइड में नहीं है तो इसको क्या जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे लिए क्विक रेशियो, ये निकला क्विक रेशियो। ठीक है, ये क्विक रेशियो कितना निकला 4.6:1। समझ गया, चलो लिख लो।